हेलो दोस्तों, राम राम, प्रणाम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आपको आज हम गया का एक रहस्यमय पर्वत को दिखाने वाले हैं, जहां आज भी प्रेतों का यहां पे वास होता है। तो आज हम आपको प्रेतों की दुनिया में अपना कदम रखने वाले हैं। आपको इस पहाड़ पे जा करके दिखाएंगे क्या यहां सच में प्रेत रहते हैं या लोग अफवाह फैलाए हुए हैं। सारा जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगा, तो वीडियो बिल्कुल भी आप स्किप नहीं कीजिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा। तो चलिए अब चलते हैं उस पर्वत पे और आपको जो भी यहाँ पे सच्चाई है सारा। हम पर्वत शिला पे चलते हैं, ऊपर जाकर के यहाँ पे आपको दिखाते हैं सारा चीज, जो भी यहाँ पे जो बोला जाता है कि यहाँ पे सच में प्रेत रहता है। सारी जानकारी आपको इस वीडियो में दिखाते हैं कि लोग अफवाह फैलाते हैं या सही में रहता है। अब देख सकते हैं कि कितना खाड़ा सीढ़ी यहाँ पे है चढ़ने में, मतलब हम लोग सारा हफने लगे हैं। आज आपको हम प्रेत की दुनिया है उसमें कदम रखने वाले हैं, जैसे आपको प्रेत शिला के नाम से यहाँ पे चर्चित ही है। जैसे आप 676 सीढ़ी कंप्लीट करते हैं तो काली माता से यहाँ पे दर्शन होता है। अब देख सकते हैं प्रेत शिला पे यहाँ पे काली माँ कैसे विराजमान यहाँ पे हैं। बहुत ही अद्भुत मंदिर है यहाँ, बहुत ही इस काली माँ में यहाँ पे बहुत शक्तिशाली माँ आई है। तो आप यहाँ पे आए तो पूजा अर्चना जरूर करें इनको। हम लोग यहाँ पे ब्रह्मा जी का चरण है वहाँ पे पहुंच चुके हैं। एक बाबा यहाँ पे हमसे जानते हैं, बाबा क्या है यहाँ पे बताइए। जितना तस्वीर जो देखे हैं ये सब अकाल मृत्यु का है, जो जहर खा लिया, फांसी लगा लिया, एक्सीडेंट हो गया, जो समय से पहले जिस समय से पहले मृत्यु हो जाएगा। स्थान जो अकाल मृत्यु का मरता है, विष्णु भगवान का प्रतिमा है, इसी का चरण में फोटो रखा जाता है। यहाँ पूजन होता है, घी बत्ती जलता है, इनको नाम से पूजन होता है। बहुत बहुत पुराना है, प्राचीन काल से ये प्राचीन है, ये प्राचीन है, ये भगवान प्राचीन है जी। कितना पुराना है कोई पता है इनका? ये सब भगवान का बनाया हुआ है ना। ये सब जो यहाँ तो कभी यहाँ पे विष्णु भगवान यहाँ पर साक्षात आए होंगे, आए थे, आई विटनेस है ना आपका जी। जो आप वहाँ जो कर्म करते हैं, जो वहाँ पिंड देते हैं अपने माता पिता के नाम से, ये आपका साक्षी है, आई विटनेस गवाह यही है आपका। ये आपका लेने के बाद यहाँ लोग हर हाल में जरूर आते हैं, यही साक्षी है ना आपका, यही आप पितरों के नाम से आप साक्षी सफल पिंड माना जाता है। हाँ, यहाँ करके जब तक विष्णु भगवान का दर्शन नहीं करेंगे तो सफल पिंड नहीं होगा। नहीं, ये विटनेस ऐसा माना जाता है कि जिसका अकाल मृत्यु अगर पहले हो जाता है तो यहाँ उनका कर्म से मतलब आत्मा की शांति मिलती है। यहाँ सबका पिंडदान होता है, माता पिता आयु से जो मर जाते हैं उनका भी होता है, जो अकाल मृत्यु हो जाते हैं, तो इसी के लिए स्थान बनाया गया है प्रेत शिला। बाबा जो फोटो है तो किस समय लाके यहाँ रखा दिया जाता है? पिंडदान समय, पिंडदान समय। हाँ, ऐसे हाँ कभी भी दे सकते हैं। हाँ, दे सकते हैं आप। आप अपना नाम बता दीजिए। नाम बता दीजिए। हमारा नाम है, हम यहाँ का पप्पू गिरी हूँ जी जी जी। यहाँ का मालिक है भोला पांडे जी और पिंटू पांडे जी और मनोज पांडे जी। हम यहाँ का, तो आप लोग बताइए, आप लोग यहीं रहते हैं या फिर रात में चले जाते हैं? हम लोग घर चले जाते हैं। अच्छा, यहाँ पे प्रेत सही में रहता है? लोग बोलते हैं कि प्रेत रहता है, सही में रहता है क्या? प्रेत है, पितृ प्रेत जो इनके शरीर पर रहता है ना, वो बाहर परिक्रमा करने से उनको शरीर पर वाइब्रेशन आने लगता है। जिनका नहीं रहता है वो अपना उनको स्पर्श करने से उनको दूर हो जाता है जी। धन्यवाद बाबा, आप इतना महत्वपूर्ण जानकारी दिए। आप यहाँ पे देख रहे हैं कि जो चरण पद है ब्रह्मा जी का, यहाँ पे पिंडदान हो रही है। आप ये जो देख रहे हैं प्रेत शिला का जो बोला जाए मेन जो पर्वत प्रेत शिला जो नाम रखाया है, यही जो यहाँ पे आप मूर्ति देख रहे हैं, तीनों जो हैं ये प्रेत हैं जो इसमें सटा हुआ है, तो इसी कारण से ये प्रेत शिला यहाँ पे इसका नाम रखा गया। लोग प्रेत शिला के नाम से आज भी जानते हैं, पहले से ही प्राचीन से यहाँ पे प्रख्यात है। यहाँ पे ब्रह्मा विष्णु सारा यहाँ पे जो देवी देवता है यहाँ पे साक्षात आए थे। ऐसा माना जाता है कि यहाँ पे जो सत्तू हम लोग खाते हैं, इसको यहाँ पे जो सत्तू होता है उसको यहाँ पे उड़ाया जाता है। देख सकते हैं कि कितना हाइट पे हम लोग अभी हैं, सिर्फ पूरा 676 सीढ़ी नहीं चढ़ पाए हैं, तब पर आप देख सकते हैं कितना ज्यादा हम लोग हाइट पे ऊपर चढ़े हुए हैं।